बिहार में बहाली के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपद स्कीम को लेकर बिहार में छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। यहां छात्र बुधवार से प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने और व्यापक रूप ले लिया। आरा, बक्सर, नवादा, बांका, सहरसा समेत कई जिलों में छात्र रोड और रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ट्वीट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव अग्निपथ योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस योजना को वापस लेने की मांग की है। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विरोध जताया। उन्होंने इस बहाली प्रक्रिया को ठेका प्रथा बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देश के सबसे बड़े नियोक्ता रेलवे और सेना में नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।